तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथी? आपके अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें ट्रेडिंग क्या होता है। स्टॉक मार्केट तो सभी लोग जानते हैं, उसमें ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें होता क्या है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में इसमें होता क्या है, और इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में अंतर क्या है, वो चीज़ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। उसके पहले बता दूं कि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, आप लोग ट्रेडिंग तो जानते होंगे, जो स्टॉक मार्केट है उसमें ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग में जो है दो चीज़ें होती हैं। ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, पहला नंबर इंट्राडे, दूसरा नंबर डिलीवरी। इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में क्या अंतर है, वो चीज़ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मन में सभी के सवाल होता है कि भाई इंट्राडे में इन्वेस्ट करें या फिर डिलीवरी में इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट किस में होता है, वो चीज़ इस वीडियो में बात करूँगा। देखिए भाई, ट्रेडिंग का मतलब होता है, अगर आप ये समझना चाहते हो कि ट्रेडिंग क्या है, तो मैं बता दूँ, ट्रेडिंग का मतलब है बाय एंड सेल, यानी शेयर कोई भी आप बाय करते हो, आपको प्रॉफिट होता है तो उसे सेल कर देते हो, या फिर लॉस होता है तब भी सेल करो, या फिर प्रॉफिट होता है तब भी। लेकिन ट्रेडिंग का मेन पर्पज यही होता है कि आप कोई भी शेयर बाय करो और उसको सेल करो, यही होता है ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग कैसे, बाय सेल किसमें, वो चीज़ें एक वीडियो मैंने बना रखा है, जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको तमाम वीडियो मिलती भी रहती हैं, ऑलरेडी मैंने बनाया भी है, तो वो चीज़ एक एक वीडियो अगर देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगा। तो चलो, इसमें देखो भाई, अब हम बात करेंगे इंट्राडे और डिलीवरी। देखो भाई, इंट्राडे क्या होता है, सेम डे बाय एंड सेम डे सेल, मतलब जैसे आज आपने बाय किया और आज ही आपने सेल कर दिया, वो होता है इंट्राडे। ठीक है, जैसे आज आपने बाय कर लिया कोई भी शेयर, आज बाय कर लिया और आज ही आप सेल कर देते हो, ठीक है, तो ये होता है सेम डे, मतलब सेम डे का मतलब हो गया इंट्राडे। और डिलीवरी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। डिलीवरी में लॉन्ग टर्म, जैसे आपने 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 5 दिन के लिए आप अगर कोई शेयर बाय या सेल करते हो तो डिलीवरी है। और इंट्राडे का मतलब है कि सेम डे आप बाय किए और सेम डे सेल हो जाता है। देखो, ये जो मार्केट है 9:15 पे सुबह खुलता है, अलग अलग जो ब्रोकरेज हैं उनका अलग अलग टाइमिंग होता है, लेकिन अगर सभी का माना जाए एवरेज, तो भाई 9:15 AM से जो मार्केट है वो खुल जाता है, और शाम को 3:15 PM को ये क्लोज हो जाता है। अब मैं बता दूं, मान लीजिए टाटा का शेयर है, ठीक है, मान लीजिए टाटा का शेयर का जो प्राइस है इस समय भाई, वो है 980 रुपये, मान लीजिए 980, इस समय 980 है भी, ठीक है, तो 980 मान लीजिए टाटा का शेयर है। आज सुबह 9:15 या 9:10 आप मान लीजिए शेयर को खरीद लेते हो 980 का, अगर 1 बजे तक, मतलब अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर हो जाता हूँ, मान लीजिए 980 में आपने 10 बजे या 9:15 पे जब भी आप खरीद लेते हो शेयर को, और 12 बजे तक मान लीजिए 990 में हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको बेच दो, बाय कर दो, मतलब सेल कर दो, तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने मान लीजिए 500 या फिर 100 शेयर ले लिया तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 980 में आपने बाय कर लिया और मतलब सेल हो रहा है 970 में ही, तो आपका नुकसान भी होता है, यही होता है यहाँ पे भाई, रिस्क भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो एक चीज़ और बता दूँ, मान लीजिए आपने इंट्राडे में कोई भी शेयर बाय कर लिया है, वो भाई शाम को 3:15 पे आप उसके पहले सेल कर लेते हो, ठीक है, नहीं तो आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, 3:15 पे ऑटोमेटिक वो सेल हो ही जाएगा, ये चीज़ होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ होता है, आपके पास जितना पैसा है उतना इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट बेस्ट है। यहाँ पे देखो, डिलीवरी वाले में आप लेते हो तो लॉन्ग टाइम में रहता है, जब आपको लगे प्रॉफिट है तब आप इसको सेल कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चैनल पे आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, और मैं सिखाऊंगा एक एक चीज़ें कि आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे किस ट्रेड पे किस मार्केट में आपको लगाना है, पूरा चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।